ऐश्वर्या अभिषेक के झगड़े की खबर इस वक्त हर तरफ फैली हुई है। लंबे वक्त से इस जोड़ी को एक साथ ना देकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं। इस बार की दिवाली भी ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार के संग नहीं मनाई और ना ही आराध्या और अपना जन्मदिन एक साथ सेलिब्रेट किया। अब इस कलेश के बीच ऐश्वर्या का एक और इंटरव्यू सामने आ गया जो कि पुराना है, लेकिन ऐश्वर्या ने बताया कि उनके और अभिषेक के बीच हर रोज झगड़े हुआ करते थे, लेकिन ये लड़ाइयाँ कोई दुख वाली नहीं होती थी बल्कि बहुत ही प्यारी हुआ करती थी। अगर ये लड़ाइयाँ ना हो तो शायद जिंदगी बोरिंग लगे। अभिषेक ने कहा, महिलाएं हमेशा सही होती हैं और वो कभी भी झगड़े के बाद वापस नहीं आती हैं, बल्कि मर्दों को ही लास्ट में मैटर सुलझाना चाहिए और खुद इसमें ढाल लेना चाहिए। ऐश्वर्या ने बताया कि जब भी हमारे बीच लड़ाइयां होती थी तो अभिषेक माफी मांग कर सोते थे। अभिषेक ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए और मर्द को ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए। आपको बता दें, इस वक्त आराध्या ऐश्वर्या अपने परिवार में नहीं है, बल्कि ऐश्वर्या दिवाली से पहले ही अपने मायके में अपनी माँ वृंदा के साथ है। अमिताभ बच्चन आराध्या को बहुत मिस कर रहे हैं, जिस वजह से इस वक्त जलसा बंगले में उनके भाई के नाती भी आए हुए हैं और उनके संग अमिताभ अपनी खुशियां बांट रहे हैं, अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं। घर में कलेश और ऐश्वर्या राय बच्चन खूब डांस कर रही हैं। आराध्या ऐश्वर्या ने डांस से लूटी महफिल, फिदा हुए फैंस बोले माँ बेटी छा गई। ऐश्वर्या राय बच्चन जहाँ भी जाती है बेटी आराध्या को साथ लेकर जाती है। दोनों कभी इवेंट, कभी पार्टी या फिर एयरपोर्ट पर साथ स्पॉट किए जाते हैं। दोनों के वीडियोस और फोटोज इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आजकल ऐश्वर्या आराध्या का एक डांस वीडियो चर्चा में बना हुआ है। वायरल वीडियो में ऐश्वर्या आराध्या के साथ अजय देवगन के सॉन्ग कयामत पर डांस करती दिख रही है। ये वीडियो किसी पार्टी का बताया जा रहा है जहाँ माँ बेटी की जोड़ी एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करती दिखाई दी। ऐश्वर्या आराध्या को डांस करते देख उनके फैंस का दिल खुश हो गया। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, माँ सच में बेटी की सबसे अच्छी दोस्त है। दूसरे ने लिखा, ये वाकई सबसे खूबसूरत वीडियो है। एक फैन ने लिखा, माँ बेटी की जोड़ी डांस करके छा गई। तो तीसरे ने लिखा, कयामत 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 आ गई। तो कुछ फैंस का कहना है, आराध्या हर चीज में काफी टैलेंटेड है। कुछ फैंस ने दोनों के डांस पर हार्ट इमोजी बनाए। जहां बच्चन परिवार से लगातार कलेश की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या कलेश से दूर जाकर पार्टियां एंजॉय कर रही हैं। जी हां, ऐश्वर्या का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ऐश्वर्या बेटी आराध्या संग डांस फ्लोर पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के घर में अगर कलेश हुआ होता तो वो नाराज होकर अपने माँ के घर रह रही होती या वो इस तरह से पार्टियां एंजॉय कर रही होती? क्या आराध्या बच्चन को अपने दादा दादी की याद नहीं आ रही होगी? वो काफी वक्त से अपने दादा दादी से दूर है। कल रात किसी पार्टी में ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के संग नजर आए। यहाँ पर बच्चन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दिया, यहाँ तक ऐश्वर्या के पति अभिषेक भी नहीं पहुँचे, तो काफी वक्त से ऐश्वर्या संग नहीं दिख रहे। रात पार्टी में भी अभिषेक नहीं दिखे। तो वही दूसरी तरफ ऐश्वर्या ने सिर्फ अभिषेक के अलावा घर के किसी भी सदस्य को फॉलो नहीं किया। तो वही अमिताभ बच्चन भले ही हजारों लाखों लोगों को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनमें से कहीं भी ऐश्वर्या नहीं दिखी। वो ऐश्वर्या जिस पर अमिताभ नाच करते उनका सम्मान देते हैं। कुछ का कहना है कि घर के कलेश के बाद अमिताभ ने ऐश्वर्या को अनफॉलो कर दिया होगा, तो कुछ का कहना है कि अमिताभ ने कभी ऐश्वर्या को फॉलो ही नहीं किया था। पहले आप क्या कहना चाहिए, क्या वाकई बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक है या फिर ऐश्वर्या को झगड़े से फर्क नहीं पड़ता?